एग्जाम्पल 4.1, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अर्गन एंड ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में होना चाहिए था, ये इस चैप्टर में फिट नहीं है, बट एनीवेज हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी किसका, अर्गन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अर्गन ये कौन सा टाइप का गैस है, मोनोटॉमिक, क्यों मोनोटॉमिक, बिकॉज इट इज इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनता है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी ऑफ अर्गन एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब रिजिड डायटॉमिक, ऑक्सीजन मतलब रिजिड डायटॉमिक। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद होगा जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बता दिया था, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एफ बाय टू के वी टी, ये हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है। तो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अर्गन एंड ऑक्सीजन, मतलब कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अर्गन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको पूछा होगा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस, तो एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस के लिए एफ बाय टू आर टी, करेक्ट। अगर आपको बोला है सिर्फ एक अर्गन एटम का और एक ऑक्सीजन का, तो एफ बाई टू के वी टी। तो एक्सट्रीमली सिंपल सॉल्यूशन, व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकाल लो डायरेक्टली अर्गन का। आपको पता है अर्गन के केस में यू हैव 3 degree ऑफ फ्रीडम एंड ऑल दिस 3 degree ऑफ फ्रीडम कम्स फ्रॉम ट्रांसलेशन, तो एफ बाई टू के वी टी। ये आ गया अर्गन का एनर्जी। Just for extra information, for one mole, energy is equal to 3/2 RT. क्योंकि one mole में कितने atoms होते हैं? एक mole of gas में कितने atoms होते हैं? Avogadro number, right? तो total energy कितना होगा? Avogadro number multiplied by energy of each atom. What is Na into Kb? R. So, कितना आ जाएगा? 3/2 RT. Similarly for oxygen, internal energy of oxygen will be 5/2. अब ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अर्गन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, ऑक्सीजन के केस में होते हैं 5. तो 5/2 के वी टी। सिमिलरली अगर आपको वन मोल का पूछा होता तो फॉर वन मोल क्या आएगा? 5/2 RT. तो सिमिलरली आप लिखोगे एन ए फॉर वन मोल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट इज एन ए इंटू एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल विच इज 5/2 KBT. तो एन ए इंटू के बी कितना आ गया? आर। तो 5/2 RT. Clear? So this is how you are supposed to solve example 4.1. Next question. Example 4.2. A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume. So पहले तो इस statement का मतलब समझ लो। A gas is expanded to double of its initial volume. मतलब V final is 2 times of V initial. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फियर, क्या कॉन्स्टेंट है? प्रेशर कॉन्स्टेंट है। हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस? तो गिवन इंफॉर्मेशन में वॉट यू नो इज, सबसे पहले गिवन डेटा में आपको बोला है कि वी फाइनल इज 2 times ऑफ वी इनिशियल, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट 1 atmosphere, और आपको पता होना चाहिए 1 atmosphere मतलब 1.015 × 10⁵ N·m स्क्वायर। यहां तक क्लियर? देन इन दिस केस आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है? आपको फाइंड करना है वर्क डन। कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। तो यहाँ पे जो वी फाइनल है ये हमको पता है, राइट।
तो सॉल्व करते वक्त व्हाट यू आर सपोज टू डू इज जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. तो वर्क डन इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. लेकिन वी फाइनल कितना दिया है आपको, टू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल. तो पी इंटू टू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल माइनस वी इनिशियल मतलब कितना आ गया, वी इनिशियल. तो पी इंटू वी इनिशियल. नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, हमको यहाँ पे वी इनिशियल की भी वैल्यू नहीं दी है. तो यू डोंट नो व्हाट इज वी इनिशियल, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब देयर इज सम डेटा मिसिंग. अब इस क्वेश्चन में मिसिंग डेटा क्या है वो देखना पड़ेगा हमको, राइट. तो देयर इज नथिंग मिसिंग, बस इतना ही है, दिस इज व्हाट यू विल गेट डन. क्योंकि वी इनिशियल पता नहीं, ना ही टेम्परेचर बताया है. अगर टेम्परेचर बताया होता तो भी सॉल्व हो सकता है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल लुक, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे. पी की वैल्यू है 1 एटमोस्फियर. अगर आपको बताया होता, टेम्परेचर बताया होता, फॉर एग्जाम्पल 27 डिग्री सेल्सियस, तो फिर आप क्या लिखते, पी वी इक्वल टू एन आर टी. तो वी क्या आता, एन आर टी बाई पी. तो वी इनिशियल क्या आता, एन आर टी इनिशियल. तो देयर फॉर वर्क डन आपके पास क्या आया, पी इंटू वी आया. तो पी इंटू वी आया, पी इंटू वी आई, वी आई कितना है, एन आर टी आई बाय पी, पी पी कैंसल. तो वर्क डन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा एन आर इंटू टी इनिशियल. तो ये भी फॉर्मूला चलेगा. तो दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो करेक्ट सॉल्यूशन. प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में कहीं पे भी हमको इनिशियल टेम्परेचर बताया नहीं, इनिशियल वॉल्यूम भी बताया नहीं. तो एक तो यहां तक लिखो या फिर इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लिखो, बोथ आर करेक्ट. समझ में आया क्या करना था, वर्क डन फाइंड करना था. प्रेशर क्या है, कांस्टेंट. तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक. आइसोबारिक में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, प्रेशर वी फाइनल माइनस, और वी फाइनल कितना बोला है, टू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल. करेक्ट, कैसे पता, लिखा है गैस इज एक्सपैंडेड टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. गुड, ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट अस मूव अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू स्टीम. पूरा का पूरा आपने कन्वर्ट कर दिया स्टीम में. तो डू यू नो व्हाट इज लैटेंट हीट, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज लैटेंट हीट. लैटेंट हीट पता है नहीं, ठीक है. तो विल सी, हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ वाटर था विच इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री एंड ऑल ऑफ इट, पूरा का पूरा 1 किलोग्राम इट इज कन्वर्टेड टू स्टीम. इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1.01 × 10⁵ pascal. कैलकुलेट एवरेज एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज. तो वॉट इज वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज. तो डू यू रिमेंबर, do you remember any process that occurs at constant temperature is isothermal process and all the processes in which phase change is involved they are kali maine bataya sabka dhyan yahan pe hona chahiye, kal maine repeat kiya tha, usse pehle bhi ek bar bataya tha. Isothermal processes. These processes are processes in which temperature remains constant. Or if you remember, एक statement हमने लिखा था, all the processes in which phase changes are involved, they are isothermal. ये कब हमने देखा था, जब heat added during thermodynamic process हमने, do you remember, हमने एक topic देखा था जिसमें heat added during thermodynamic process, ये path dependent है, हमने prove किया था, याद है. उसी में हमने फ्री एक्सपांशन भी देखा था, याद है. तो दो मेथड्स थे, एक में कंटेनर था, कंटेनर में गैस है, गैस इज फिटेड विद मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड वी हैव एडेड हीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर. कंट्रोल्ड मैनर में हीट ऐड करने का मतलब क्या है, ऑल द हीट दैट यू आर एडिंग इज ओनली डूइंग वर्क, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. उस केस में एक स्टेटमेंट था लास्ट में,
all the processes in which phase changes are involved, these processes are isothermal processes. Correct? यहां तक क्लियर? तो क्वेश्चन पढ़ो. 1 kilogram of liquid water is boiled at 100 degrees Celsius and all of it is converted to steam. If the change of state takes place at atmospheric pressure, calculate the energy transfer to the system. Number one, work done by the system during this change. Work done by the system during this change. Process कौन सा है? Isothermal. So what is isothermal process में work done? nRT log of V final by V initial. Very good. The change in the internal energy of the system, zero. क्योंकि temperature constant रहना मतलब internal energy में change नहीं होना, right? And lastly, क्या पूछा है? Given the volume of water changes from 1 × 10⁻³ meter cube in liquid form to 1.671 meter cube when it is in solid, when it is in the form of steam. So total 3 questions है. इसमें 3 sub questions है. तो सबसे पहले let us write down what is given to us. What is given to us? Mass. Mass कितना है? 1 kilogram. दूसरा क्या दिया है? Temperature. Temperature constant है, कितना है? 100 degree. मतलब कितना? 373 Kelvin. Then what else is given to you? Constant. क्या बोला है? Pressure. Pressure constant नहीं है, लेकिन the change of state takes place at atmospheric pressure. कितना pressure है? 1.013 × 10⁵ Pascal न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आगे आपको बोला है, लास्ट में बोला है इनिशियल वॉल्यूम कितना है? कितना है? 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब. बराबर, क्योंकि ये इनिशियल है. जब हमारे पास ना लिक्विड वाटर, जब स्टीम बन गया तो कितना है? 1.671 मीटर क्यूब. और लॉजिकली भी सोचोगे, अगर मेरे पास एक कंटेनर है उसमें पानी है और हमने बॉईल कर दिया पानी को, तो उससे वेपर बनते हैं, तो वेपर डेफिनेटली एक्सपांड्स. इसका मतलब स्टीम फॉर्म में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज मोर. तो स्टीम फॉर्म में कितना वॉल्यूम है? 1.6 मीटर क्यूब. लिक्विड फॉर्म में कितना है? 10⁻³. और 10⁻³, 0.001. तो डेटा जो दिया है वो करेक्ट है. यहाँ तक क्लियर? इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल पता है, यस. टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, मास इज ऑल्सो गिवन टू यू. अब फाइंड करने के लिए क्या बोला है? हमको 3 चीजें फाइंड करनी है. नंबर वन, इन्होंने पूछा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम. एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम टू चेंज द स्टेट, कहाँ से? वॉटर से स्टीम में. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा. इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, और बाद में बोला है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, मतलब हम जो सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वो सिर्फ क्या कर रहा है? स्टेट चेंज कर रहा है. लिक्विड वाटर से क्या कर रहा है? वो स्टीम बना रहा है. इसको पता है क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या बोलते हैं इसको? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसको हम डिनोट करते हैं एल से. किस डिनोट करते हैं? एल से. हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट सप्लाई किया, नंबर वन. नंबर टू क्या पूछा है हमसे? वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. नंबर 2, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. नंबर थ्री, दे आर आस्किंग यू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब डेल्टा यू. करेक्ट. देन यू मस्ट रिमेंबर, केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा, पता होना चाहिए बिकॉज केमिस्ट्री में हुआ होगा आपका. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड फॉर फेज चेंज इज मास इनटू लैटेंट हीट. और यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम. नंबर 2, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, ना, तो वर्क डन इज प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. बराबर ना? यस, एग्जैक्टली. एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल. दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस.
any process which involves phase change is an isothermal process. Clear, Abel? And lastly, what is the change in internal energy? ये तो definitely zero है, क्योंकि आप इसमें लिखोगे n cv t final minus t initial. जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर सेम, तो आंसर क्या आएगा जीरो. यहां तक क्लियर? अब व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग, यहां पे एक प्रॉब्लम ऐसा है दैट यू नीड टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो देना चाहिए था, वो आपको क्वेश्चन में देना चाहिए था, नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ. लेट मी चेक इफ आई हैव इट हियर. नहीं है तो आई विल हैव टू फाइंड इट आउट एंड टेल यू. ओके, तो रुक जाओ एक मिनट, आई विल जस्ट टेल यू द वैल्यू ऑफ दिस. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 2256 किलो जूल पर किलोग्राम. तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, इसकी वैल्यू होती है, latent heat of vaporization is 2256 kilojoule per kilogram. ये water के लिए होता है, right? But then, therefore, Q equal to n की value कितनी? 1. कितना है? 1. What is L vaporization? 2256 kilojoule per kilogram. Correct? ये आ गया answer आपका. तो part 1 खत्म. Part 1 is done. Those are online, I know video is stuck, so ठीक है, doesn't matter really. So फिलहाल अभी ध्यान में यहाँ पे number two क्या find करना था आपको? Work done है. Work done is W equal to nRT log of final upon log of initial. Do you know number of moles? पता है क्या number of moles? Yes, no, yes. Yes, no, yes. पता है? नहीं पता नंबर ऑफ मोल्स, यू डोंट नो. सो यू मस्ट रिमेम्बर, जब मैंने पूछा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखा था पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. देन यू सेड कि नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग फेज चेंज ऑकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. करेक्ट है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जितना भी एनर्जी सप्लाई किया उसने क्या किया? फेज चेंज किया. लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना पड़ता है हमको कि इन दिस केस प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, इन दिस केस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट. यहाँ पे क्या मेंशन किया है? प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट. और ऊपर से क्या दे दिया है? वैल्यू दे दिया है. मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्रोसेस आइसोथर्मल लोगे या आइसोबारिक लोगे. आइसोबारिक. तो अगर आइसोबारिक लोगे तो ये क्या आएगा? P into V final minus V initial. So this is how you are supposed to identify. ऐसा आपको identify करना पड़ेगा. छोटी से छोटी गलती मतलब marks गए. तो अब will you use this formula? No. तो क्या use करोगे? P V final minus V initial. Pressure कितना है? 1.013 into 10^5. V final कितना है? 1.671 और V initial कितना है? 0.001. कहाँ से आया? 10^-3 मतलब कितना होता है? 0.001. सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आया आपके पास? 1.013 into 1.671 में से 0.001 गया तो 1.67 into 10^5. करेक्ट. Roughly 1.67, क्योंकि ये क्या है? 1 है. Approximately करोगे तो 1.67 ही आंसर आएगा into 10^5. क्या लिखेंगे इसके आगे? जूल. तो ये आंसर मिलना चाहिए. अब यही आंसर है, 169 किलो जूल बराबर है. एग्जैक्ट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1.69. ये कितना है? 10^5. इसका 2 इसको दे दिया तो कितना बन गया? 169. इसके बाद कितना बचा? 3. What is 10^3? किलो. 10^3 मतलब क्या? किलो. तो 169 किलो जूल. यही आंसर है. This is what they have given you. Clear? Right?
अब सबका ध्यान है यहाँ पे, कहाँ गलती होती है इसलिए पहले करके बता देता हूँ, बाद में नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अगर मैं इसको आइसोथर्मल प्रोसेस लेता, अगर लेता तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर क्या है सेम, तो चेंज इन एनर्जी क्या आएगा जीरो। लेकिन आर वी ट्रीटिंग दिस एज आइसोथर्मल? नो, हमने क्या ट्रीट किया आइसोबारिक। अब डू यू रिमेम्बर व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? बताओ, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो व्हाट विल बी डेल्टा यू? क्यू माइनस डब्ल्यू। डू यू नो व्हाट इज क्यू? यस। डू यू नो व्हाट इज डब्ल्यू? दोनों फाइंड करके रखा है आपने। लुक, क्यू हमको मिला था 2256 और वो हमको मिला 169, तो हो गया ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो सी है उसका आंसर आएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। व्हाट इज क्यू? 2256 माइनस व्हाट इज डब्ल्यू? 169। व्हाट इज दिस? हाउ मच इज दिस? ऐसा नहीं करते कैलकुलेशंस। ठीक, क्या करना है पहले समझ लो, कितना माइनस करना है तो 200 माइनस कर लो, 200 माइनस कर लिया तो कितना आएगा? 2256 में से 200 माइनस कर लो, कितना आया? 2056। हमको एक्चुअली कितना माइनस करना था? 169। हमने कितना कर लिया? 200। कितना ज्यादा माइनस कर लिया? 31। 31 एक्स्ट्रा माइनस हो गया कि नहीं, तो ऐड कर लो ना फिर, हो गया आंसर 2087 किलो जूल। दिस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाई इंक्रीज? व्हाई इंक्रीज? क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव आया, डेल्टा यू पॉजिटिव आना मतलब देर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहली गलती कहाँ होती है? ऑल द प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व फेज चेंज आर आइसोथर्मल, दैट इज ट्रू। लेकिन क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये हिंट था, ये जो प्रोसेस है इट इज ऑकरिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है। और अगर ये आइसोबारिक है तो इस केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, अगर आइसोथर्मल होता तो नहीं होता। गुड, क्लियर यहां तक? राइट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से क्यू माइनस डब्ल्यू मिल जाएगा आपको, क्योंकि क्यू तो पहले से ही फाइंड करके रखा है, और क्यू ये 11th स्टैंडर्ड से आता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो क्यू इज एम इंटू एल वी पी, और एल वी पी ये गिवन होना चाहिए, नहीं दिया तो मैंने बता दिया 2256। क्लियर? गुड, ओके। लेट अस मूव अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले यू नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और आपको इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए, अगर अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, क्यू की वैल्यू नेगेटिव मतलब हीट इज गोइंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस ना बाय द गैस, वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, डेल्टा यू पॉजिटिव इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, और डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4.4। 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन ऑन सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये वर्क डन ऑन द गैस है कि बाय द गैस है? ऑन द गैस। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ही वर्क डन ऑन द सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस बोला है, मतलब इमीडिएटली यू मस्ट रिमेम्बर कि वर्क डन ये कितना दिया है 104 किलो जूल, मतलब क्या लोगे यहाँ पे -104। इफ द गैस रिलीजेस
if the gas releases 125 kilojoule of heat, गैस ने हीट रिलीज किया, गैस ने हीट रिलीज किया मतलब किसको दिया, सराउंडिंग को, तो ये क्या आएगा माइनस, हीट रिलीज इज नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब इज पॉजिटिव। अगर आपको ये कन्वेंशन याद नहीं है तो आंसर गलत आएगा। तो वंस अगेन टेल मी, इफ हीट फ्लोस फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम पॉजिटिव, इफ हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में जाना, सिस्टम से सराउंडिंग में जाना तो नेगेटिव हीट होता है, तो हमने क्या लिखा नेगेटिव, इसको बोलते हैं हीट इज रिलीज, राइट, हीट इज गिवन आउट, देन वर्क इज डन ऑन द गैस नेगेटिव, वर्क डन बाय द गैस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। आगे बोला है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल, हमको वर्क डन भी किलो जूल में दिया है, हमको यहाँ पे हीट भी किलो जूल में दिया है, और चेंज इन एनर्जी भी क्या है किलो जूल में पूछा है, तो फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है फटाफट बताओ, डेल्टा यू। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो फ्रॉम हियर आपको फाइंड करना था डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या आएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू कितना है माइनस 125, माइनस वर्क डन कितना है माइनस 104, माइनस 125 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया माइनस 21 किलो जूल। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, मतलब गैस का कूलिंग हो रहा है कि हीटिंग हो रहा है, कूलिंग हो रहा है बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4.5, 0.5 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एक्सपैंड आइसोथर्मली, तो कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर। ए व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, आर की वैल्यू दी है आपको, बी हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस। तो नाउ गिवन पैरामीटर में हमको क्या क्या वैल्यूज दिया है, हमको बोला है 0.5 मोल, मतलब n is 0.5, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम कितना 2 लीटर और फाइनल वॉल्यूम कितना 6 लीटर, लीटर को कन्वर्ट करेंगे बाद में हम लोग, यू नो व्हाट इज 1 लीटर इन मीटर क्यूब, 10⁻³, यू नो व्हाट इज 1 लीटर इन सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³, इतना ही डिफरेंस है, अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना हो तो +3 लिखते हो, मीटर क्यूब में लिखना हो तो -3 लिखते हो, तो ये कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए, हाउ मच इज 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, हाउ मच इज 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, हाउ मच इज 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आप सोच रहे हो कि प्लस कहाँ से आया, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, कितने होते हैं 100, इसको 10⁻²³ कितना हो गया 10⁻⁶, तो कितना आ गया ये 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। तो एक लीटर में, वेट डू नॉट गेट कंफ्यूज, आई हैव रिटन नथिंग रॉन्ग, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, कितना है 2 लीटर, एक लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब 10⁻³, फाइनल वॉल्यूम कितना है 6 लीटर 10⁻³, टेम्परेचर कितना है 300, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5, नथिंग इज रॉन्ग, राइट। तो अगली बार जब कुछ लेने जाओ, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेने जाओ या 1 लीटर मिल्क लेने जाओ, तो समझ लेना यू आर परचेसिंग हाउ मच 10⁻³, ऐसा ही याद रखेगा, यू विल हैव टू रिमेम्बर लाइक दिस, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में पता ही नहीं हाउ मच इज 1 लीटर, डोंट नो, इफ यू डोंट नो वे एग्जाम से, क्योंकि ये वो बताएंगे नहीं आपको, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट दे विल टेल यू दिस। क्या पूछा है आपको, वॉट इज वर्क डन, वर्क डन, दूसरा क्या पूछा है आपको,
क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई रिंग क्यू, करेक्ट। देन डू यू रिमेम्बर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, एन आर टी, नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो रेशो था तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि लीटर दोनों लीटर में तो वो कैंसिल हो जाएगा। नंबर बी क्या पूछा है, और हीट सप्लाइड क्यू, ये कहाँ से आएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बट वेट, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू होता है जीरो, क्यों, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यू शुड नो दैट क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। जितना भी आपने हीट सप्लाई किया पूरा का पूरा हीट ने क्या किया, वर्क डन। इसका मतलब आपको पूछा सिर्फ वर्क डन ही है, दैट्स इट, दे आर जस्ट आस्किंग यू व्हाट इज द वर्क डन। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है इसका फिर। तो ए वर्क डन, एनआरटी, एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल, एन कितना है 0.5, ये कितना दिया है आपको 8.31, नहीं लिखेंगे 25/3, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हाउ मच 300, तो ये 300 है, दिस इज 1 एंड 100 सा। नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल कितना है 6, इनिशियल कितना है 2, 1 एंड 3। तो 0.5 × 100 कितना होता है 50, 50 × 25 कितना है, व्हाट इज 25 का, ओह 25 का 125, तो 25 50 का 1250। नेचुरल लॉग ऑफ 3, अब नेचुरल लॉग ऑफ 3 आपके पास लॉग टेबल में से मिल जाएगा आपको, यू कैन जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम लॉग टेबल 3 का नेचुरल लॉग। 3 का क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लॉग है और एक ln है, क्या फाइंड करना है, ln, तो कितना है 1.09 समथिंग समथिंग, मल्टीप्लाइड बाय क्या था 1250, तो कितना आ गया 1373। तो 1250 इंटू 1.09 मतलब कितना आ गया 1373, क्या जूल, तो ये आ गया जूल, नहीं किलो जूल नहीं है, क्या है जूल। और बी पार्ट में आपने देखा Q इक्वल टू W, W कितना 1373, तो हीट सप्लाइड आल्सो 1373। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस इज इनिशियली केप्ट इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन एट अ प्रेशर ऑफ 1 MPa, स्मॉल एम मतलब मिली 10^-3, कैपिटल एम मतलब मेगा 10^-6, तो स्मॉल एम है मतलब -3 है, एंड टेम्परेचर 27°C, इट इज देन एक्सपैंडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, डबल वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू 2 times ऑफ इनिशियल, हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपेंशन इज आइसोबारिक। अब गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास n इक्वल टू 1 mole है, आगे बोला है टेम्परेचर कितना दिया है 27°C, मतलब कितना 300 केल्विन, प्रेशर कितना दिया है 1 mPa, 1 mPa मतलब 10^-3 Pa, फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है वर्क, और क्या बोला है फाइनल वॉल्यूम इज 2 times ऑफ इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम इज 2 times ऑफ इनिशियल, यहां तक क्लियर। आपको वर्क डन फाइंड करना है और प्रोसेस कौन सा बोला है, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन इक्वल टू पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो सॉल्यूशन भी सिंपल है, वर्क डन इक्वल टू पी, वी फाइनल इज 2 times ऑफ वी इनिशियल, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया डबल, माइनस वी इनिशियल, तो ये कितना आ गया P इंटू वी आई, हमको वी आई पता है क्या, नहीं पता, दैट इज द रीजन कि मैंने आपको ये लिखने के लिए लगाया था, इफ यू रिमेम्बर ये करेक्ट। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वहीं से यू कैन सॉल्व दिस, पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहां से मिलेगा आपको V
equal to nRT upon P. So V initial equal to nRT initial upon P. Pressure constant है, तो pressure में P initial P final आएगा क्या? So therefore work done W will be equal to P into V initial. So nRT initial upon P, P or P. So work done equal to nRT initial. N कितना है? 1. R कितना है? 8.31 जो लिखेंगे नहीं, क्योंकि temperature कितना है? 300. So what is the answer? 2500 joule. Correct? अगर आप 8.31 ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आंसर आपका चेंज होगा. उस केस में आपका आंसर आना चाहिए 2490. कितना? 2490. तो सिर्फ 10 का डिफरेंस है, विच इज एक्सेप्टेबल. क्लियर है यहां तक? यस, पक्का? ओके, डन.